हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं VMC मशीन पे वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ, तो आज ये जो VMC मशीन पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि VMC मशीन के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे साथी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको VMC मशीन के जो पार्ट्स है उनके बारे में जानना है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि VMC मशीन के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, एक हाईटेक टेक्नोलॉजी की एक VMC मशीन है, और VMC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्टिकल मिलिंग सेंटर। तो दोस्तों, ये जो मशीन होती है ये 3 एक्सिस पे कार्य करती है, और इसके अंदर जो एक्सिस होते हैं वो X, Y और Z एक्सिस होते हैं। तो आज हम लोग जो इसके जितने भी सारे मेन पार्ट्स इसके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं वो मैं मेन पार्ट के आप लोगों को इसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो में आप लोग जो है वो लास्ट तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है VMC मशीन का उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये हमारी जो VMC मशीन है इसका कंट्रोल पैनल है, और VMC मशीन को इसी कंट्रोल पैनल के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और इस कंट्रोल पैनल के अंदर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी कीज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जो CNC मशीन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जॉग का कीज़ दिया गया है, जॉग मोड के लिए, और यहाँ पर हैंडल मोड के लिए दिया गया है, रेफरेंस मोड के लिए दिया गया है, एग्ज़िट के लिए दिए गए हैं, और यहाँ पर स्पिंडल स्टार्ट, स्पिंडल ऑन, और यहाँ पर ऑटोमेटिक मोड, और इसके बहुत सारे जैसे सिंगल ब्लॉक, ये बहुत सारे जो कीज़ हैं यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर ये एक्सिस को दर्शाता है, यहाँ पर ये जो कीज़ है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को यहाँ पर दर्शा रहा है। यह यहाँ पर एक्स्ट्रा जो रोटरी एक्सिस है उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो एक्सिस दिया गया है। यहाँ पर रैपिड का जो है वो भी आपको की दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है देखिए, ये मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक कीज़ दिया गया है, और यहाँ पर जो है वो अगर मशीन के अंदर इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इमरजेंसी स्टॉप के लिए यहाँ पे जो है वो इमरजेंसी स्टॉप का यहाँ पे जो है वो की दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस मशीन के द्वारा जो है यहाँ पर स्क्रीन के अंदर भी जो है वो सेम वर्क जो है वो आप देख सकते हैं। इसको माउस के द्वारा भी आप वर्किंग कर सकते हैं। इस मशीन के कंट्रोल पैनल के अंदर एक माउस भी लगा हुआ है, और एक कंप्यूटर का कीबोर्ड भी जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। प्रोग्राम आप दोनों कीबोर्ड के द्वारा डाल सकते हैं, आप कंप्यूटर का कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्टली मशीन के द्वारा भी आप जो है वो यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये हाईटेक टेक्नोलॉजी की मशीन के अंदर ऐसा जो है वो आजकल जो है वो आ रहा है। तो दूसरा जो मैं आपको मेन पार्ट्स बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेन पार्ट्स है, यहाँ पर देखिए ये हमारी मशीन का जो है वो यहाँ पर मेन स्पिंडल है। यहाँ पर यहाँ जो है हमारा जो कटिंग टूल है वो इस स्पिंडल के अंदर लगा हुआ होता है, और इसके अंदर जो वर्किंग करती है मोटर वो सर्वो मोटर होती है। सर्वो मोटर के ही द्वारा जो है वो ये हमारा जो टूल है वो इसके अंदर जो है वो रोटेट करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो है ये एक मशीन का एक फिक्चर बना हुआ है, और फिक्चर के अंदर जो आपका जो एक्सिस होते हैं वो आपके एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, और यहाँ पर जो आपका जो एक्सिस होता है वो आपका जेड एक्सिस होता है। तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो VMC मशीन होती है उसके अंदर जो टूल को जो कंट्रोल किया जाता है वो जेड एक्सिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और बाकी जो आपके फिक्चर के अंदर जो एक्सिस होते हैं वो वाई और एक्स एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मशीन के अंदर जो है वो न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा हम लोग इसके अंदर जो जॉब है उसको होल्ड कर सकते हैं, और इसके अंदर जो मोटर दी गई है वो इसके अंदर जो है वो एक्सिस मोटर लगे हुए हैं। एक्सिस मोटर जो है
वो इसके अंदर स्लाइड के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्सिस मोटर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये बेल्ट लगी हुई है और इसके द्वारा जो है हम लोग जो है वो एक्सिस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, आपका एक्स एक्सिस और आपका जो वाई एक्सिस है उसको भी हम लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये गार्ड डोर दिया गया है, इसको हम लोग चिप गार्ड डोर कहते हैं, ताकि आप जब ऑपरेशन करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर तो अंदर कूलेंट और जो चिप्स होते हैं वो ऑपरेटर के ऊपर ना गिरे, इसलिए यह जो पार्ट है वो ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए दिया जाता है, तो इसको चिप गार्ड डोर भी बोलते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीएनसी मशीन के अंदर और वीएमसी मशीन के अंदर बस फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो है वो एक्सिस, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं, और जो हमारी टर्निंग मशीन होती है उसमें एक्स और जेड एक्सिस होते हैं, तो ये एक मुख्यतः फ़र्क होता है। और इस मशीन के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीएनसी इस वीएमसी मशीन का एक स्टेबलाइजर दिया गया है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंट्रोल की जाती है, यहाँ पर ये जो है वो स्टेबलाइजर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वीएमसी मशीन का एक कंप्रेसर दिया गया है, और कंप्रेसर के अंदर जो है वो न्यूमेटिक प्रेशर जो हम लोग सीएनसी वीएमसी मशीन के अंदर यूज़ करते हैं, तो यही जो कंप्रेसर है इसी के द्वारा ही जो है वो न्यूमेटिक प्रेशर को बनाया जाता है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वीएमसी मशीन के अंदर एक हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए, जैसे कि आपका जो इसके अंदर जो टूल लगाया जाता है, तो टूल को क्लैंप करने के लिए जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी वीएमसी मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, तो इस टैंक के अंदर जो है वो हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ होता है, और यहाँ से हम लोग जो है इसका ढक्कन ओपन करके और यहाँ से हम लोग जो है वो हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो इसके अंदर इसको फुल कर सकते हैं टैंक को। और उसके बाद में फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर बनाने के लिए इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो फिल्टर है, ऑयल जो भी है वो फ़िल्टर होकर के ही आगे की ओर जाता है, और यहाँ पर ये इसका एक पंप लगा हुआ है, और ये इसका जो पंप है वो इसके अंदर जो है वो प्रेशर बनता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जितना भी प्रेशर आपका जो मशीन के अंदर जनरेट हो रहा होता है वो सारा का सारा प्रेशर आपको यहाँ पर इस मीटर गेज के द्वारा जो है वो आपको पता चल जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर जो दोस्तों जो गेज दिया गया है उसके अंदर हम लोग दो यूनिट के अंदर प्रेशर को माप सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्रेशर तो हम लोग इसमें PSI के अंदर माप सकते हैं, और जो दूसरा प्रेशर जो है वो हम लोग इसके अंदर KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर माप सकते हैं। तो ये हमारे जो CNC VMC मशीन का जो है वो आपका हाइड्रोलिक ऑयल टैंक है। उसके बाद में दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वीएमसी मशीन के अंदर जहां पर भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है तो ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन देने के लिए मशीन के अंदर यहां पर एक लुब्रिकेशन ऑयल टैंक भी होता है। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, तो ये एक वीएमसी मशीन के अंदर एक लुब्रिकेशन ऑयल टैंक लगा हुआ है, और इसी लुब्रिकेशन ऑयल टैंक के द्वारा मशीन की जितनी भी स्लाइड्स होती है और जहाँ पर भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो लुब्रिकेशन है वो मशीन के द्वारा जो है वो पहुँचा दिया जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर और PSI के अंदर जो है वो दिया गया है, यहाँ पर हम लोग प्रेशर, कितना प्रेशर से जो है वो लुब्रिकेशन ऑयल जा रहा है, तो ये वीएमसी मशीन के अंदर जो है वो लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो लगा हुआ होता है, दोनों मशीनों में होता है, वीएमसी में भी होता है, सीएनसी में भी होता है। तो दोस्तों, ये हमारी जो वीएमसी मशीन होता है उसका पीएलसी पैनल होता है, तो ये जो है वो मेन मशीन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो यहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कि ये हमारी मशीन का जो इलेक्ट्रिकल पैनल होता है अंदर, ठीक है, तो ये मशीन का जो पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है वो इसी इलेक्ट्रिकल पैनल के द्वारा ही जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो तीन ड्राइव देख रहे हैं, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस की ड्राइव्स है, यहाँ पर सीएमएनस कंपनी का जो है वो अंदर इसके अंदर लगा हुआ है, और मशीन के अंदर जो है वो इसकी MCB वगैरह भी जो यहाँ पे है वो दी गई होती है, यहाँ पर मशीन की जो है वो MCB लगी हुई है, और एक MCB जो है वो यहाँ भी नीचे भी जो है वो लगी हुई है। और ये दोस्तों PLC का मतलब होता है दोस्तों, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल,
तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीएनसी वीएमसी मशीन का जो है वो भाग होता है। सीएनसी और वीएमसी मशीन दोनों में ही ये जो है वो ऑपरेटिंग पैनल के साथ में जो है वो कंट्रोल कैसे करना होता है, तो वो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल पैनल जो इसका दिया जाता है, इसको जो है वो इलेक्ट्रिक पैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टूल लगा हुआ होता है वो किस प्रकार से जो है वो वर्क करता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो ये मेरी जो वीएमसी मशीन है इसके अंदर जो है वो एटीसी लगा होता है, तो एटीसी आपको दिखा देता हूँ। तो वो सामने आप देख रहे हैं वो इस मशीन का एटीसी है, जो थोड़ा सा जो है उसमें मेंटेनेंस चल रहा है, इसकी वजह से मैंने इसको ओपन कर रखा है। तो ऑटोमेटिकली टूल चेंज करती है वीएमसी मशीन, जिसको जो है ऑटो एटीसी मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंजर के द्वारा जो है वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो चेंज किया जाता है। और यहाँ पर कूलेंट की सप्लाई के लिए यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि एक ये पाइप लगा हुआ है, अगर आप कूलेंट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पाइप को जो है आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अंदर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मशीन के स्पिंडल की ये एक मुख्य मोटर है, और मुख्य मोटर के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाइड्रोलिक पाइप जो है वो लगी हुई है, और हाइड्रोलिक पाइप के द्वारा ही जो है वो जो आपका ये जो टूल लगा हुआ है इस टूल को जो है वो क्लैंप किया जाता है। तो ये हाइड्रोलिक पाइप के द्वारा जो है वो प्रेशर जाएगा अंदर और इसको जो है वो क्लैंप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वीएमसी मशीन का जो स्पिंडल है वो किस प्रकार से रोटेट करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो स्पिंडल है वो रोटेट कर रहा है। और दोस्तों यहाँ से मैं वीएमसी मशीन का जो साइड व्यू है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मशीन का जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ से आप अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो मशीन ऑर्डर कर सकता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल नंबर वगैरह। तो ये मशीन का जो है वो साइड व्यूज़ है। और यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ये आपका जो न्यूमेटिक सिस्टम है, जो इसका फिक्चर है, उसकी जो मोटर वगैरह है वो यहाँ पर दी गई है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे कि मशीन के अंदर जो इंडिकेट कर रहा है हमें, तो इसके अंदर तीन कलर के जो है वो इंडिकेटर्स लगे होते हैं। ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर्स तब जलता है जब आपकी मशीन में ऑपरेशन हो रहा हो और मशीन ऑटोमेटिक मोड पे चल रही हो, और मशीन जब रुकी हुई होती है तो येलो कलर का इंडिकेट जो है वो इंडिकेट करेगा, जैसे कि आप यहाँ आप देख रहे हैं। और रेड कलर का इंडिकेटर तब जलता है जब मशीन के अंदर कोई जो है वो फॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर को भी देख सकते हैं। दोस्तों वीएमसी मशीन के जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और आप इसके जो मैंने आपको मेन पार्ट्स बताए हैं वीएमसी मशीन के, तो उसके द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अधिक मोटिवेशन के साथ में वीएमसी मशीन की जो है वो वीडियो लगातार आपके लिए बनाता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज के वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।